तालिबान सेज पाकिस्तान लॉन्चिंग अटैक्स ऑन अफगानिस्तान द चनाकिया डायलॉग्स विद मेजर गौरव बारिया। तो मेजर साहब की वीडियो काफी चीजें जो है वो टच करेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया और इनके क्यों नहीं सीईओ लगे किसी बड़ी कंपनी में? क्योंकि इनका मुद्दा है ही नहीं एजुकेशन, इनका मुद्दा है बटन दबाओ 72 पाओ। शेयर अर्ज किया है बटन दबाओ। अमेरिका की सरकार है जो कि इमरान खान के खिलाफ साजिश करी है, वो डोनाल्ड हु या लू जो भी नाम था, थूक के चाटना कहते हैं इंडिया में उसको। और इसमें पीटीआई और इमरान खान माहिर हैं भाई साहब, माहिर हैं थूक के चाटने में। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हमारे। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के कसाई की तरह तो जाने जाते थे, अब वो कश्मीर के कसाई के नाम से जाने जाएंगे। ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई यार। क्यों खुशी हुई दोस्तों? इसलिए खुशी हुई क्योंकि इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान में आज भी कुत्तों को भौंकने की पूरी आजादी है। बिलावल भौंको बेटा। अच्छा, और दोस्तों खबरें हैं और मैं खबरें आपको बताता हूं वन बाय वन। पाकिस्तान के आतंकवाद का दोस्तों यह आलम है, यह स्टैंडर्ड है कि अफगान तालिबान कंप्लेन कर रहा है। अफगान तालिबान यह कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, यह कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान यह कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी हमारे ऊपर सुसाइड अटैक्स करवा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले करवा रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये अफगान तालिबान का फॉर्मल स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगान नेशनल्स है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। तो इसमें जवाब दिया कि भाई इस्लामिक स्टेट जो है, दाइश जिसको कहते हैं, इसके ग्रुप तो पाकिस्तान के अंदर हैं और ये इस्लामिक स्टेट वाले अफगानिस्तान के अंदर धमाका कर रहे हैं, अफगान नागरिकों को मार रहे हैं, ये तालिबान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो बड़ा आतंकी कौन हुआ? जाहिर सी बात है पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने सारे के सारे, हम लोग अक्सर कहते ना ओसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान में, अरे वो छोटी बात है। मैं, आप कहेंगे साहब कैसे कहें छोटी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है। ना ना ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल, वो छोटी बात है। इसने तब से हजारों ओसामा पैदा कर दिए क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब एक बटन दबाओ और 72 हूरों के पास पहुंच जाओ, उनका एम लाइफ में ये है। तभी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ लगे हैं, ये हैं ये हैं ये हैं है, करते पूरे दिन। ये क्यों करते हैं और इनके क्यों नहीं सीईओ लगे किसी बड़ी कंपनी में? क्योंकि इनका मुद्दा है ही नहीं एजुकेशन, इनका मुद्दा है बटन दबाओ 72 पाओ। शेयर अर्ज किया है बटन दबाओ 72 पाओ। याद रखना, ट्रेंड करवाओ, मीम बनाओ और पाकिस्तान को जलील करवाओ, ठीक है जी। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये फिर जा रहे थे कहीं पे, इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी। इन्होंने बोला साहब पाकिस्तानी जो फौज है बड़ी जज्बे वाली फौज है और जो भी दुश्मन है हमें मैली आंखों से देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल के आंखों से गोटियां खेलेंगे, ये सारे के सारे फिल्मी डायलॉग। अच्छा, मैंने कल परसों भी यही बात कही थी यार, कोई भी देश का आर्मी चीफ इतने मीडिया स्टेटमेंट नहीं देता जितने पाकिस्तान के देता, क्यों? लड़ने वड़ने से इनका काम है नहीं, इनके अपने धंधे चल रहे हैं, इनकी अपने दुकानें चल रही हैं, ये अपने प्लॉट घेर रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, पाकिस्तानी मुझसे चुपचाप तो कहते हैं मेजर साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, आप बात तो गलत नहीं कह रहे, तुम्हारी फौज को कश्मीर घेरना था, तुम्हारी फौज को कश्मीर घेरना था, तुम्हारी फौज ने लाहौर में डीएचए के प्लॉट घेर लिए, ये तुम्हारी फौज का किरदार है। अब तुम परेशान हो रहे हो कि यार तुम्हारी फौज ऐसी है वैसी है। अब एक बात बताओ, आसिम मुनीर ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये 5 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ओ भाई, तू कैसा आर्मी चीफ है यार, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्मी चीफ आर यू? जनरल आसिम मुनीर, योर जॉब इज टू डिफेंड योर कंट्री, आपका काम है अपने मुल्क की दिफा करना। आपके लोग सैकड़ों की तादाद में मारे जा रहे हैं, तालिबान आके ठोक के जा रहा है, टीटीपी आके ठोक के जा रहा है, इस्लामिक स्टेट वाले ठोक के चले जा रहे हैं,
आपके आप लोग खुद आप लोग बोलते हैं कि 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए, कोई कहता 1 लाख पाकिस्तानियों ने जान का नजराना दिया है, ये फलाना पता नहीं किसको दिया जान का नजराना, आई डोंट नो, बट इतने पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये हो गया वो हो गया, शहीद हो गए, दुनिया भर के तुम गाने गाते हो, फिर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। ओ भाई अगर इतने पाकिस्तानी मरे हैं तो कुछ करो ना, कुछ करो अगर हिम्मत है तो, डायलॉगबाजी करनी है सिर्फ। अभी तक तो ये था कि हम मुझे ऐसा लगता था, ये हो सकता है मेरी गलती हो एंड आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता था कि यार जो पाकिस्तान की फौज है ना वो काम करती है, इनके पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है ना, इनके जो पॉलिटिक्स में है लोग, वो बकवासबाजी करते हैं। अब मुझे पिछले कुछ महीनों से ये क्लियर हो गया कि इनकी फौज भी बकवास करती है, बस वो वर्दी पहन के बकवास करते हैं, ये सलवार कमीज पहन के बकवास करते हैं, बकवास दोनों ही करते हैं यार, और दोनों की बकवास एक जैसी है। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी मुनाफकत है, ये मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तानियों मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? क्योंकि तुम मुनाफिक लोग हो। ठीक है, तुम्हें बुरा लगेगा, मेरी बात कड़वी लगेगी, बोलोगे मेजर आप सख्त बात कर रहे हैं, लेकिन मेजर सच बोल रहा है या झूठ, सिर्फ इस पर फोकस करना। सख्त मुलायम ये सब छोड़ दो, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। राइट, अब देखो जितने भी पाकिस्तान के भगोड़े हैं सपोर्टर जो बाहर चले गए, इमरान खान को जेल में छोड़ के खुद बाहर चले गए, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये अमरीका से कह रहे हैं, ये आर्टिकल देखिए आप, ये आर्टिकल देखिए, ये अमरीका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं भाई लोग, ये अमरीका को कह रहे हैं कि साहब आप कुछ करिए, अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये एक विदेशी मुल्क, एक इन द सेंस कि कोई दूसरे मुल्क को, ये कोई बाहरी मुल्क को ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में दखलंदाजी करो क्योंकि हमारा लीडर जेल में है। इनकी गद्दारी देखो पाकिस्तानियों की, इसलिए मैं कहता हूं ना, यू डोंट डिजर्व अ कंट्री, तुम लोग भीड़ हो, तुम लोग हुजूम हो, तुम लोग कौन तो हो ही नहीं, पता नहीं तुम्हें किसने मुल्क दे दिया, वो जिन्ना ने अंग्रेजों को पता नहीं क्या चूना लगाया और तुम्हें एक मुल्क मिल गया। जो कहते हो ना हमारे हमारे बाप दादाओं ने बड़ी कुर्बानी दी, किसी ने कख कुर्बानी नहीं दी। ठीक है, इट वॉज ऑल फॉर्जरी बाय जिन्ना एंड द ब्रिटिश, तुम्हें एक मुल्क मिल गया, तुमसे संभला नहीं जा रहा। ये देखो ये कह रहे हैं, पीटीआई सपोर्टर्स लॉबिंग यूएस फॉर कांग्रेशनल विजिट टू पाकिस्तान। अब ये कह रहे हैं कि साहब देखो इसमें ऐसा है कि एक मिलर साहब है, मिलर साहब स्टेट डिपार्टमेंट के कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, तो मिलर साहब ने ये कह दिया कि आई थिंक मैथ्यू मिलर है इनका नाम जो भी है, इन्होंने बोल दिया कि साहब पाकिस्तान में जो हो रहा है अफसोसनाक है, लेकिन वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला। अब इनका दिल टूट गया, इमरान खान, ओ भाई इमरान खान जेल में है, अमरीका तुम कांप क्यों नहीं रहे, चाइना तुम्हारे पसीने क्यों नहीं निकल रहे, रूस तुम्हें दिल का दौरा क्यों नहीं पड़ गया, इंडिया तुम परेशान क्यों नहीं हो रहे, यूरोप तुम्हारे पसीने पसीने क्यों नहीं आ रहे, चक्कर क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि इमरान खान नियाजी, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड, वो जेल के अंदर है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं, पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल खतरे में है। क्या आपको नहीं पता है कि सुनामी आ जाएगी, हिमालय इंडियन ओशन के अंदर चला जाएगा, पैसिफिक ओशन हिमालय की जगह आ जाएगा, इतना बड़ा। अमेरिकन कहते हैं चल हट यार, हट, बकवास कर रहा है, कोने में चल। अच्छा ये फिर भी पीछे पड़े हुए पाकिस्तानी ढीठ। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यही इमरान खान ने बोला था कि अमेरिकन साजिश है। आपको याद है, एडिटर साहब जरा वो फोटो दिखाना जरा इमरान खान की, जिसमें वो कागज ऐसे वेव कर रहा है, ये कह रहा था ये है साइफर, अमेरिका की सरकार ने मेरे खिलाफ साजिश करी है, अमेरिका की सरकार है जो कि इमरान खान के खिलाफ साजिश करी है, वो डोनाल्ड हू या लू जो भी नाम था उसका, वो उसने नाम तक लेके दिया कि ये बंदा है जिसने साजिश करी है। अमेरिका चाहता था कि इमरान खान की सरकार गिर जाए, अमेरिका ये बिल्कुल अमेरिका ने करवाया है जो इमरान खान को गद्दी से नीचे उतार दिया, अमेरिका की साजिश है। इसी पे तो इमरान खान फेमस हुआ पाकिस्तान में, उसके पहले तो उसकी मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी, वो आईएसआई पे निर्भर था भाई। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो उसकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी, उसकी खुद एब्सोल्यूट मेजोरिटी थोड़ी ना थी, उसकी पूर्ण बहुमत नहीं था उसके पास। लेकिन ये सब कहने के बाद कि बाहर से खतरा है, विदेशी हाथ है, अमेरिका ने यह करा, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश करी, पाकिस्तानी खुश हो गए। अब एक बात बताओ, कोई सड़क पर चलता भिखारी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और पाकिस्तानी बुरा मत मानना क्योंकि सच है, और सच में बुरा मानने वाली बात नहीं होती, एक सड़क पर चलता भिखारी है, ठीक है, उसको कोई यह बोल दे कि यार तेरे खिलाफ ना एलोन मस्क साजिश कर रहा है, और वो भिखारी विश्वास कर ले कि एलोन मस्क जो है, एलोन मस्क, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, ये सब मिलके ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप समझ लो उस आदमी का तो दिमाग खराब हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। वो सोचेगा मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं यार, मैं इतना अहम हूं, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया कि एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सोचो यार कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब मैं कुछ तो होगी यार मुझ में बात। यही इमरान खान ने पाकिस्तानियों को बोल दिया, यानी कि सड़क पर चलते भिखारी, यानी कि पाकिस्तानी
उनको यह बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है बाहर से। सारे सारे पाकिस्तानी खुश हो गए दोस्तों। क्यों खुश हो गए? क्योंकि 75 साल से इस मुल्क ने कोई गुड न्यूज नहीं सुनी है, छोड़ के 1992 में जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, इस मुल्क ने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। ये हर समय जलील हुए हैं अपने मुल्क में, बाहर एयरपोर्ट हर जगह ये लोग जलील होते हैं पाकिस्तानी। तो जब इस आदमी को कोई भी शख्स हो, इसको आप ये बोल दो कि भाई देख, तू जो है ना, तेरे खिलाफ एलन मस्क ने साजिश करी है, उसका तो प्रोफाइल अपनी आंखों में ऐसा बढ़ जाएगा, वो तो अपने आप को खुदा समझेगा यार। तो पाकिस्तानी अपने आप को खुदा समझने लगे। देखो हमारी सरकार, इमरान खान इतना तगड़ा बंदा है, इमरान खान मास्टर मैनिपुलेटर है ना, इमरान खान ही इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है कि लोगों से खेलना कैसे है। उसने पत्ता डाला, भिखारी कौम अचानक उसमें करंट आ गया, उसने बोला साहब वल्ला हबीबी एलन मस्क हमारे खिलाफ साजिश करती, हम भी खेलेगी गेम। तो वो गेम खेलने के लिए आ गए पाकिस्तानी। अच्छा, अब अमेरिका को बुरा कह के, झूठ बोल के कि अमेरिका ने साजिश करी है, झूठ बोल के कि अमेरिका हमारे खिलाफ है और इमरान की सरकार गिरा दी, ये सब झूठ बोला। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, यानी कि अमेरिका ने बैठाया शहबाज शरीफ को, इसलिए वो इंपोर्टेड हो गई हुकूमत। ये सब अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। और इमरान खान के 1000 इंटरव्यू में जहां पर इमरान खान ने यह बोला है कि साहब अमरीका ने साजिश करी है। ठीक है, अब वही पीटीआई, ये थूक के चाटना कहते हैं इंडिया में उसको, और इसमें पीटीआई और इमरान खान माहिर हैं भाई साहब, माहिर हैं थूक के चाटने में। ये रोज थूकते हैं, सुबह और शाम को उसी थूक को चाटते हैं। अब इन्होंने फिर वही काम करा। अब वही अमेरिका जिसके लिए कह रहे थे कि इसने हमें निकाल दिया, उसी अमेरिका को कह रहे हैं भाई साहब बचा लो। आई डोंट इवन नो हाउ दैट वर्क्स। ये लॉजिक क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आया। तुम अभी तक ये कह रहे थे कि अमेरिका ने तुम्हारे खिलाफ साजिश करी, अब उसी अमेरिका से तुम लोग मदद मांग रहे हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही, बेशरम कहीं के। ये पीटीआई वाले इतने बेगैरत हैं, इतने बेशरम हैं कि ये कल किसी को गाली देंगे और फिर अगले दिन उसके पैर पकड़ लेंगे कि हमारी मदद कर दो। यार कुछ शर्म लिहाज है तुम्हें। अब ये चाह रहे हैं कि एक कांग्रेशनल डेलीगेशन, ठीक है, जो यूएस कांग्रेस है ना, उसका एक डेलीगेशन पाकिस्तान जाए, क्योंकि इनको ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान है और सूरज जो है ना, ये इसके गोल गोल घूमता है, और ये विश्वास करते हैं। हर एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान स्टडीज में यही गोबर उसके सर पर मला गया, माथे पे, और उसको उसी गोबर से बताया गया है कि भैया देखो तुम जो हो ना, तुम बड़े अहम हो, पूरी दुनिया तुमसे जेलस है, पूरी दुनिया तुमसे परेशान है, तुम एक एटमी कौम हो, ठीक है, और तुम एक जज्बे वाली कौम हो, और तुम्हें कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बनाया गया है। ये सब विश्वास का, हम लोग तो मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तानियों की, लेकिन पाकिस्तानी एक्चुअली इसको सच मानते हैं कि वो अहम है। दे एक्चुअली बिलीव दैट देयर कंट्री मैटर्स। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बार बार कहता हूं, पाकिस्तानी तुम मानो ना मानो, ये बेटा बात सच है, तुम लिख के ले लो मेजर की बात, अगर तुम्हारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलता तो कुत्ता तुम्हें नहीं पूछता। तुम अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ मुझे कमेंट्स में, पाकिस्तानी लिख के बताओ कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारे बगल में अफगानिस्तान नहीं होता तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता आज, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम अपना गेहूं नहीं उगा सकते, तुम चावल अपने नहीं उगा सकते, तुम हो किस काम के? बम का क्या करना है? खाना है नहीं, बम के नीचे लगा के उसको पकाओगे, सेकोगे रोटियां, सेकोगे उसके ऊपर? मुझे बात समझ में नहीं आती। अब ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई अमरीका बहादुर एक काम करो यार, प्लीज आप चलो और हमारे खान जो फंस गया है, हमारे खान की मदद करो। ये देखो एक मिनट में आपको बताता हूं, ये आतिफ खान है। आतिफ खान का कहना है कि अभी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी है साहब कि हमें पाकिस्तान में कुछ नहीं बोलना, लेकिन हम उम्मीद से हैं कि पॉलिसी जरूर चेंज होगी। और ये देखिए, मैथ्यू मिलर ने यह बोला, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन, कि वॉशिंगटन ने कुछ केसेस में, पाकिस्तान में जो कुछ केस थे उसके बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कराए, लेकिन बोला एट टाइम्स देयर आर केसेस दैट आर सो ऑब्वियसली अनफाउंडेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव्स इट शुड से समथिंग अबाउट द मैटर, वी हैव नॉट मेड दैट डिटर्मिनेशन हियर। ठीक है, ये बेसिकली कुछ केस होते हैं अनफाउंडेड होते हैं, बेबुनियाद होते हैं, जिसके क्लैरिफाई करने के लिए यूएस को बोलना पड़ेगा, हम इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहते इस मैटर में, अमेरिका ने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये बार बार अमेरिका के पैर पकड़ रहे हैं। यही लोग एक साल पहले अमेरिका को गालियां दे रहे थे, पब्लिक रैलीज में गालियां दे रहे थे, पब्लिक रैलीज में इमरान खान और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालियां दे रहे थे अमरीका को, अमरीकी साजिश, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फलाना ढिमका, ये अमरीका को गाली दे रहे थे। आज उसी अमरीका के तलवे चाट रहे हैं कि हमारी मदद करो। यार इससे बढ़िया ना, मैं बता रहा हूं, कोई आदमी जंगल चला जाए और बनवास ले ले यार, है वो भी अच्छा ही काम है बनवास लेना, पाकिस्तानियों से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता,
लेकिन यार तुम कैसे कर सकते हो यार पाकिस्तानी, हाउ कैन यू डू दिस? तुमने बिल्कुल अपनी इज्जत बेच के खा गए, इतना झूठ बोला तुमने, एक साल पहले कुछ और बोल रहे थे। खैर तुम्हारा लीडर ही ऐसी बेगैरत रहता है, जेल बर्ड इमरान, उसका तो काम ही यही है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो उसने भी ऐसे अपने तुम जैसे सपोले पाले हैं, तुम भी कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। अब देखो ये अमेरिका की भीख मांग रहे हैं कि भाई साहब बचा लो इमरान को, हमें बचा लो। क्यों बचा लें? अमेरिका तो बुरा है, अमेरिका ने साजिश करी थी, क्यों अमेरिका के पैर पड़ रहे हो? नो सेल्फ रिस्पेक्ट, नो सेंस ऑफ ऑनर, शेमफुल, अटली शेमफुल। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो खत्म हो गई और मेजर साहब ने आज काफी टॉपिक जो है वो काफी टच किए हैं, हमें शौर नहीं आ रहा, हमें शौर आना चाहिए आगे निकलने के लिए। शौर होता है जिसको शौर होता है, बेशौर, बेशौर मतलब नहीं निकलूं कि हम कितने लीडर आए मर गए हैं, कोई जिंदा है, चाहे फौजी है चाहे जमहूरियत चलाने वाले है, आज इधर मुल्क की खातिर किसी ने कुछ नहीं किया, जो सच है किसी ने बताया ही नहीं, कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, कब से खा रहा है, आपके मुल्क के ना बढ़ने की वजह क्या है, ये क्यों रुकी हुई ग्रोथ आपकी, ये किस तरह बढ़ेगी, किसी ने आज तक नहीं बताया। तेरे लीडर ने बताया यार, मेरी बात सुन, मैं वो ही तुझे नहीं बता, उसने बताया, अच्छा उसने एक इदारा है वो जब से इधर आए इसमें इन होया है जमहूरियत में, उसने क्या खाया है, कितना खाया है, किस तरह खाया है और किस तरह अभी खाते जा रहे हैं, ये सियासतदान कितना खाते हैं, इमरान खान के नीचे भी सारे खाते रहे, ये भी दूध के धुलियों में नहीं है, तो उसके दौर में टॉप पर नहीं, नहीं मैं मान दो तेरी बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो वो किसकी नायली थी? इमरान खान की नायली थी, मैं मानूंगा जो बात होगी। इमरान खान ने कहा था मैं इनको कंट्रोल करूंगा करप्शन को, नहीं कर सका, उसने कहा था मैं बेरोजगारी गुर्बत खत्म करूंगा, नहीं कर जितने मर्जी पढ़े लिखे, जितनी मर्जी सेंथ, जितनी मर्जी जो कुछ भी आ जाए, बाहर से अच्छे अच्छे लीडर भी इधर आ जाए, तब भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता, इमरान खान साहब के खुद की स्पीच है, ये भी तो सोचा करो उसके पीछे रीजन क्या है, ये देना क्या ठीक है इसके लिए भाई, उसके पीछे आवाम को सत्ता में आकर क्या करेगा भाई, सत्ता की फिर पाकिस्तान की भाई सत्ता की सुन तो ले, सत्ता की सुन तो ले, एक बंदा है वो एक बार ही आया, एक बंदा है वो उसके घराने से तीन बार एक बंदा वजीर आजम बना, दो बार एक बंदा, तीन बार वजीर आजम बना, एक बंदा चौथी बार वजीर आजम बना, एक पार्टी जिसके तीन दफा वजीर आजम बने, तीन चार दफा वजीर आला बने, सारी हुकूमत के 70 साल चुनके उन्होंने एक 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 उन्होंने कुछ भी तारक नहीं किया। ये बंदा आया पहले दिन बहुत ज्यादा सोच लेके आया, बहुत बड़े बहुत बड़े 30 साल हो गए पहले दिन, नहीं 30 साल हो गए, नहीं 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 जो करते हुए 30 साल बैठ जाए उसने पहले यार तारक क्यावर पत्तू का तेरे सारे तीनों सूबों से आज भी तरक्की याफ्ता है। हाँ तो फिर उधर जाके देख रहे माहौल, हर के बेरोजगारी, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तरक्की है, उधर रोड देख ले, कारोबार देख ले, बेईमानी रुकी हुई है, करप्शन रुकी हुई है, उसे बहुत कंट्रोल सभी कुछ हुआ है, नहीं मेरा सारे सूबों में पंजाब ही डेवलप है यार, पंजाब में तेरी हुकूमत शुरू से लेके इधर ही है, इसीलिए सारा पैसा चोरी करके जो भांगा पीना वो इधर आता है, यहाँ से लूट के वो बाहर लंदन चले जाते हैं, फिर ये कौन सा इलाका हुआ, कौन सी स्टेट हुई, लाहौर देखा है, लंदन बना दिया, पैरिस बना दिया उसने, लाहौर जाके देख कैसे, कोई पैरिस नहीं लाहौर बना, कोई इंडियन आके देख ले, जब बारिश आती 10 दिन पाव रखने की जरूरत नहीं किसी, अच्छा इमरान खान ने वहाँ पर जो डेवलपमेंट की है जो दिखाई दे रही हो, क्या की, क्या कुछ किया भाई, आप जिद लगाने की कोशिश नहीं करे, आप मानने की रोड बनाए ना, एक बात वो नवाज शरीफ ने बनाए, अच्छा रोड नवाज शरीफ बनाए ठीक हो गया, अच्छा और बिजली नवाज शरीफ बनाई होगी, नवाज शरीफ ने बना दिया एटम बम ठीक, मुल्क को सुधार दिया नवाज शरीफ ने ठीक, तरक्की करा दी नवाज शरीफ ने ठीक, हर मोहर नवाज शरीफ कर दिया ठीक, कर्जा लेके दौर में इकॉनमी थी ठीक,
कौन सी इकॉनमी जो बड़ी उसके दौर में? उसके दौर में इकॉनमी ठीक था। बताओ मुझे कौन सी? खान से तो अच्छी थी। क्या अच्छा था? सलीम के ऊपर कितना फोकस था उसका? अच्छा अब कौन से तुम्हारे डॉक्टर MBBS कर रहे हैं भाई? 3 साल का MBBS चलता बंदा, और फिर 3 साल में क्या कर लिया फिर? अच्छा कंपैरिजन करना, एक बंदा 3 बार वजीर आजम बना, एक बंदा 3 साल बना है। 3 साल बाद जो वजीर आजम बना वो अच्छा, उसको ज्यादा वक्त मिला है, या जो बंदा 3 साल आया उसको ज्यादा वक्त मिला है? 3 साल में तो पहले नंबर पे कोरोना आ गया, ऊपर से इतना कर्जा था, इतनी टेंशन थी बंदे के ऊपर, वो क्या करना चाहिए के लिए कर्जा और लेता रहा भाई। जब पैसे पास नहीं था खजाने में भी नहीं था, लेने उधर इसके पास इतनी ज्यादा दौलत अपनी खुद की होती भी ऊपर लगा लेता, उनका कर्जा उतार लेता फिर होती, वो भी नहीं था उसके पास। क्या था? एक ढीला भी तो नहीं उस बंदे के पास। अच्छा वो जो साकिब निसार था चीफ जस्टिस, वो किसके दौर में के अंदर वो हमसे 10-10, 100-100 रुपए साकिब निसार लेके गया पैसे? इमरान खान ने दौर किसका था? क्या इमरान खान ने कहा था? वो उसकी अपना था तो पैसा भी इसकी वजह से दुनिया गए। यही है ना, अब इंडिया से भागे। डैम की बात कौन करता था? इमरान खान ही नहीं करता था। किसकी? डैम की। तो डैम तो आज भी बांध रहे हैं, तो डैम की खातिर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ तेरे मुल्क में आज भी 2025 और 2026 में लास्ट में के बनने जो आज भी स्टार्ट है, ना यकीन हो अदनान पदा भाई इसका गवाह है, चश्मदीन गवाह, जो खुद देख के आया है, विजिट करके आया है, वो आज भी बांध रहे हैं। इससे पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। तो इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुए, पहले कभी नहीं। तो बोलता पैसा था ही नहीं मेरा भाई, तो पैसा मौजूद जो पैसा मांगा था उस पैसे में से कर्जा भी उतारने की कोशिश कर रहा था और काम भी कर रहा था। सेहत कार्ड इतना बड़ा तेरे 70 साल हुकूमत में, 70 साल हुकूमत में कभी किसी बंदे को, किसी गरीब को इतना बड़ा सेहत कार्ड नहीं मिला। आज का देश की सलीम पे कभी किसी ने काम नहीं किया। उसके दौर में सऊदी अरब, मलेशिया, ईरान, तुर्की, वहां जितने बंदे कैद थे, चाहे लड़कियां थी चाहे लड़के थे, बेचारे 10-10 साल थे, 20-20 साल थे, उन बिचारों को छुड़वा के मलेशिया से, सऊदिया से, ना मेरा भाई झूठ ना बोल, सऊदी अरब कोई नहीं छोड़ता, जो कुछ किया ना उसने वापस लेके आया। सेहत कार्ड उसने दिया 10 लाख का सेहत कार्ड, वो छोटी ओप नहीं थी, ठीक है, लंगर खाने खोले गरीबों यतीमों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और उसने नौजवान ने स्कीम लेके आए थे उसके ऊपर, इन बंदों ने मजाक बनाया था PDM ने, 1.5 साल इन्होंने हुकूमत की, 1.5 साल में 1 लाख तरक्की का बता दे, 1 लाख तरक्की का। नौजवान स्कीम क्या लेकर आया था यार? उसकी स्कीमें देख तो सही, कितनी स्कीमें नेट के ऊपर देखा तो कहा भाई साहब हमने अप्लाई भी किया था, हमारे गांव में से कई लोगों ने अप्लाई किया। किसी बंदे ने हमारे गांव को जल्द से धरने में नहीं जाता, साथ में वो आ जाए तो। अच्छा धरने में जाए तो कर्जा मिलता है? मैं वैसे कह रहा हूँ वैसे जाते ही कोई नौजवान किसी का भी जल्द भाई साहब यार मैं मुनाजरा उसका मुआजरा नहीं कर रहा, समाज का निकलते ही नहीं मेरी बात। आपने कौन सी स्कीम लॉन्च की दफ्तर? अच्छा कौन सी स्कीम चल रही है? वो जिनकी जमीने बंजर है ना वो बस 2-2.5-3 लाख रुपए लेकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उसने स्कीम निकाली है। मुझे एक बंदा बता जिसको जाकर, एक बंदा बता जिसको मिली हो टीवी के ऊपर आ रहा है, झूठ होता है, ये झूठ होता है दिखावे के लिए। उसने कहा था ना मेरी याद रखे, हमारे गांव का एक लड़का इस्लामाबाद में काम करता है प्रॉपर्टी का, मैंने उससे फर्स्ट स्कूल के अंदर बैठे हुए कहा था, आपने मुझे देखा होगा उनके साथ बैठे, मैंने उनसे पूछ रहा था भाई मैंने बिलाव देखा इस्लामाबाद के अंदर जो इमरान खान ने वादा किया था ना घरों का, मैं नहीं बता सकता लाखों में घर थे, लेकिन वो 4 फ्लैट थे बड़े बड़े मतलब लंबे चौड़े ना, उसके अंदर पत्र कितने एक अंदर फ्लैट थे, वो ब्लॉग में दिखाया जा रहा था, वो वाकई ही उस जगह पे मौजूद है कि नहीं आप उधर मौजूद? उसने मुझे बताया कि वो जगह वाकई ही इमरान खान के, मैं इमरान खान का भगत है यार, भगत वीडियो मौजूद है, ब्लॉग बनाने वाला नीचे खड़ा होकर बता रहा है वो जगह जिससे तू बैठक कर रहा था ना यार, वो तो इतना बता रहा था मेरी बात, वो तो इतना बता रहा था कि वाकई है, लेकिन ब्लॉग में दिखाया जा रहा था ये वो जगह जो डैम है फ्लैट बने हैं जो गरीबों को मिलने थे। इस्लामाबाद में कौन से गरीब है जिनको मिलेंगे? इधर से उठा कर भाई सभी मुजरिम मुल्क के जो है जो मजदूरों को जो मिलेंगी जगह तरतीब होती है हर जगह पे बनने थे, लाहौर रावी, लाहौर रावी का दरिया था उसके अंदर भी वो बन रहे हैं, जरूरत पहले उधर तो कर ले भाई, सिर्फ ये जिद लगाना एक अच्छी बात नहीं होती, जो हासिल है वो मान लो। मैं इमरान खान ने बुरा किया, जहाँ मुल्क की खातिर
नहीं बोला कि दलित की मैं मान रहा हूँ, वैसे जीत लगाने को उदाह नहीं होती। बाकी बिलावल की बात की मेरे सारी बंदा मानने वाला नहीं, बिलावल की जो बात कर रहे थे उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में? बिलावल साहब आपको भूल गया? नहीं नहीं, बिलावल साहब ने जो बोला है कि अभी पहले मोदी को कसाई बोल रहा था, अभी पहले गुजरात का कसाई बोल रहा था, अब कश्मीर का कसाई बिलावल बोल रहा है, जब असेंबली भी तलील हो गई है। इससे क्या पता चला? जब गोवा में गए थे उस वक्त इसकी जरूरत क्यों नहीं हुई? उधर अंदर बोल के शेर का बच्चा बनता ना। इंडिया के अंदर जब गोवा में था उस वक्त बोलता मोदी को कसाई बोलता, तब मजा आता कि शेर का मर्द का बच्चा है। उधर किसकी हवाएं निकल गई थी? पहले बोल के नहीं गया था तो मामा माफ कर, कहीं भी बोल के नहीं गया, वो अमेरिका में बोला था अमेरिका में बोला था, पहले अमेरिका में बोला था, दो तीन माह पहले बोला था, फिर बाद में गया था। गोवा में एक लफ्ज नहीं बोला इंडिया के खिलाफ, ये बंदा ना मोदी के खिलाफ इसने कोई स्टेटमेंट दी ना कश्मीर के ऊपर को बोला। जब पाकिस्तान में आ गया फिर कहने लगा हम कश्मीर के ये करेंगे वो करेंगे, घर में बोलता ना उसके जाके तब पता चलता। अच्छा ये जो युद्धिया अमेरिका में कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पूरी दुनिया में पुस्तैद करते जा रहे तो जवाब जितने कर ले ये होगा, पता चलेगा कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को चाहने वाली है, सिर्फ ये होगा बस ये लेकिन जो उसको सजा हुई है उनका ये वकील एक में बात मुकम्मल करने दे यार, उसको बोलने नहीं देखा तू, हर बात में बीच में आ जाता है यार, बात में जवाब नहीं दे सकता भाई साहब। जब काउंटर आपको यार मैं भी तो तुझे वो बता रहा हूँ, बात तो मुकम्मल कर, इसकी मुकम्मल होने फिर बोल क्या बंदा है यार, मैं तुझे बता रहा हूँ क्या कर ले, बात इंतजार है, दुनिया देखेगी कि इमरान खान को चाहने वाले कितने हैं पाकिस्तानी। लोगों का मीडिया शो करनी है कि इमरान खान के चाहने वाले यूथी हैं भाई, ये साबित होता है। जब मोदी जाता अमेरिका कनाडा जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वो कौन थे? इंडियन ही थे वो, क्या मोदी साबित कर रहा था? ये देखो वीडियो में दिखा रहे थे, ये देखो कितनी दुनिया मोदी को चाहने वाली, ये अमेरिका को मोदी कितनी चाहने वाली, फ्रांस में मोदी को चाहने वाली भाई, वो खाकर चलते हैं भाई, इसको गर्व होता है तो भाई इसका माने भी इसको गर्व है, ये हमें हमारा मुल्क लेके चलेगा, ये मुझे से अच्छा पाकिस्तान जब आएंगे इंशाल्लाह। कलमे पे नहीं कंट्री बनाया, तो जज्बे वाली कौन नहीं हो तो भाई, अगर इस तरह का बंदा पहले आ जाता ना तो फिर होता। भाई 30 साल ना दिया था पागल के बच्चे ना, मन इंसान का बच्चा पढ़ लिखा होने का शौक दे, जो बंदा तू बोल कितनी साल तेरे हुकूमत की 30 साल ना मिला, 30 साल वो होते हैं जिस तरह 30 साल क्या होते हैं, प्यूटर ने हुकूमत की है जब से प्यूटर हुकूमत में है या तुर्की में कई मुर्दगारी उसकी बात कर, वो जितने लंबे की बात कर। अच्छा तारक भाई एक मुझे कॉल देता था, बोलता ना जो डेग होती है ना उसके अंदर एक चावल चकने से पता चल जाता है किस चीज की देख कंपेरिजन नहीं, ये दुनिया है ये चावल नहीं जिसको चख लेना, इधर पांचों उंगलियों में क्यों कहते फर्क है तेरे में और क्वालिटी, इधर और क्वालिटी मेरे में और क्वालिटी, बंदों को चावल उसकी पार्टी के नीचे जितने बंदे थे ना जितने उनमें से 10 बंदे ठीक थे बाकी तो चोर चकटे थे, क्यों लिए उसको मेरा भाई पार्टी स्टार्टिंग में बना नहीं तुम्हें पर नहीं 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 30 साल तुम्हें हो चुके तुम्हें इतनी परख नहीं है, फला बंदा किस नहीं परख बंदे को पहचानना बहुत मुश्किल है, उसको लुटता मेरा भाई परख ही नहीं है यही तुम्हें बता रहा हूं, अगर करप्शन पहले ना होती हमारे मुल्क की एक हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा ना होता ठीक है, कोरोना आते ही इतना बड़ा कोरोना आ गया जब हमारे पास पैसा नहीं था, बात वो ना होता फिर जो बंदा देता था मैं पाकिस्तानी अवाम का लूटों का पैसा बैर वाले कंट्री से लेकर आऊं, जब वो पांव में खड़े वो भी बैठ जाते रहे भाई, जब अभी तक मेरा भाई ये आप बहस कर सकते हैं आपका हक है, सवालों का जवाब आपका हक है, लेकिन अगर इमरान खान स्ट्रॉन्ग लीडर होता है जिस तरह मोदी आया था उसकी हुकूमत में कोई कर्जा नहीं था, उसके खजाने में नहीं था, उसके खजाने में करोड़ों मिलियन रुपए थे, कई ट्रिलियन से ज्यादा उसका पैसा खजाने में था, क्यों नहीं बात तू मानता था इसलिए इमरान खान को भाई वो कर्जा माना जाता नहीं था, रिजर्व भी था। हाँ अगर इस तरह मोदी को जिस तरह घूमत मिली है ना अच्छी तो उससे आगे मोदी ने 4 चांद लगा दिए, अगर इमरान खान को इस तरह की मौज हो बीजेपी के लीडर छोड़कर जाते हैं बात, अगर मोदी की ये पागल बात बिठा दिया जाए तो क्या होगा इंडिया का गरक होता क्या बात है क्या बात है यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस मेरी एक बात मुकम्मल कर रहे मोदी ने बोला सारी वीडियो में तू भाई मैं इतनी अमल है तू यही लेने आया था, मेरी बात मुकम्मल नहीं होती
बीच शुरू हो जाती इस बंदे की, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर ब्लेम लगाने के अलावा इस बंदे को कुछ और नहीं आता। मैं सभी के ऊपर ब्लेम लगाता हूँ भाई, ये दुनिया का जहल और झूठ अक्तर इंसान, ये मैं बात कोई नहीं करूंगा इसके अलावा मेरे पास कोई बात नहीं। दुनिया तरीन का अगर कोई, अरे अगर मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब से लाने से झूठा तो ये बंदा है, ये बंदा झूठा है, मैं और कुछ क्यों मुझे बात करनी है। पाकिस्तानी मौत को जब पाकिस्तानी हुक्मरानों को एस्टेब्लिशमेंट को जो ऐना दिखाता वो ठीक है, मैं तुझे ऐना दिखाऊंगा जब हुकूमत आएगी ना, मेरा भाई जब हुकूमत आएगी ना, तू झूठे इंसान की पैरवी कर रहा है, तू जो 70 साल तेरे मुल्क का लूटा उनकी पैरवी कर रहा है, तू उनकी पैरवी कर रहा है, तू नवाज शरीफ जरदारी की पैरवी कर रहा है, तू उनका वकील बना हुआ है। अच्छा तू ये इमरान खान का वकील है, तू किसका है? किसी में किसी पे गैरत चोर्च करने किसी का भी नहीं है, ये दोनों वकील नहीं है, वो बेगैरतों की तू सपोर्ट करता जा रहा है, उनका कंपैरिजन 70 साल का कंपैरिजन 3 सालों में कर रहा है, सोच देख इस बंदे की। भाई साहब आप मेजर साहब बगैरत बोल रहे थे तो आपकी फट रही थी जल रही थी, अब तू खुद बगैरत बोल रहा है, इसका बात बता। इसलिए वो बोल रहे थे भाई आपको शोर क्यों नहीं आ रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे 70 साल के लीडर आए थे, एक मिनट जो लीडर आए थे मेरी बात, हम तो शोर वाले नहीं ना, हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना भाई, हम पढ़े लिखे नहीं तारक, हमें गुस्सा है, हमें तो गुस्सा आया 70 साल में बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ वो तरक्की कर गया, हम क्यों ना तरक्की कर सके, क्यों हमारे लीडरों ने तरक्की करने की वजह ही नहीं बताई, हमारे लीडर यार नादर खुदा का वास्ता उसे माफ कर यार, तू बात क्यों नहीं मानता यार, तरक्की की तरफ ले जाने वाला कुछ हो यार, 3 साल में कैसे तरक्की हो जाती है, 3 साल में तरक्की कैसे हो जाती है, क्या चाहिए हमारे पास 4G चल रहा है यार, बात करो यार, 3 साल में तरक्की होती है 70 साल में तरक्की होती है, हमारे पास 4G है 6G पागल है यार बंदा, जिद्दी लगाई जा रहा है, मैं कह रहा हूँ 70 साल तरक्की नहीं हुई, 3 साल में मानता हूँ उसने बड़े बड़े वादे दावे किए, 3 साल में तारक भाई ने बोला था 2024 नौकरियों का साल होगा उसके बारे में बता, मैं वो फिर बात आ रही है यार बंदे, जवाब उसका मुझे देने दे, वो मेरे से सवाल कर रहे हैं 2020 नौकरियों का साल होगा नहीं, फिर मैं वही जवाब दूंगा, जब खजाने में पैसे ही नहीं तो नौकरियों जो नए बंदे आएंगे उनको पैसा कहां तनख्वाह कहां से देंगे, वो तो टैक्स का पैसा था जो इकट्ठा किया था आवाम से, वो पैसा इकट्ठा किया था उसके साथियों को स्टार किया काम, ये भी पूरे 5 जगह का पैसा उन्होंने दिया, मुलाजम होते हैं उनको जो पैसे सैलरी मिलती है वो समंदर से कुछ कोयला निकलने की बात कर रहा था, कोयला नहीं, उसने बोला था मैं मानता हूँ तारक, मैं एग्री करता हूँ तारक बोला था लेकिन निकला कुछ नहीं था, झूठ बोला, वो मशीनरी लगाई गई चेक किया, झूठ होता अगर तारक वो चेक मशीनरी लगा के चेक न करते तो जो चीज निकलती है पहले भाई साहब उसको सर्वे करते हैं फिर चेक करते हैं नीचे से निकाल तेरी बात मान लेता मैं मान लेता हूँ, अभी कुछ मिला भी नहीं, इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करो, इंडिया बहुत आगे की चीज है, हम जो है ना हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अपने सियासतदानों की वजह से, और मुझे बोलने का मौका दो अपनी आर्मी की वजह से, क्यों हमें तरक्की करने ही नहीं दिया, हमें आजादी फील होने ही नहीं दी इन्होंने आज तक 70 साल में, ये सच्चा और किसी को कड़वा लगता तो लगे भाई, मैं सच बोलूंगा। अच्छा कल मैं तारक पे एक वीडियो देख रहा था उसके अंदर वो बोल रहे थे पिछले इतने सालों से हम 14 अगस्त को आजादी मनाते आए हैं, आज झंडे जो है ना ब्लैक सोग मनाने वाले ये जूते इस तरह के विचार अपने करके दिखाएंगे। अच्छा मुझे ये झंडे जो है मैं कहता हूँ ब्लैक भी ना 14 अगस्त मनानी नहीं चाहिए, नहीं 14 अगस्त मनानी चाहिए, हम आजाद ही नहीं हुए, तू तो कहता है हमारी आजादी पर क्या कमीशन को लेके चले नहीं मेरा भाई, तो फिर आजादी ये चले नहीं, हमें तो आज पता चला है, अगर मेजर सर बोल रहे थे हमारे जब पूरा को उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी उन्होंने खून नहीं बहाया तो फिर ये बात ठीक हो गई, तो ठीक ही है बात, हमें जब पहले बातों का पता ही नहीं था, चुना दिया जाता हमारे जो हमें बड़ों ने कौन सी कुर्बानी हमारे सितारे ने दी, कौन सी थी, अगर कोई जंगे हुई है अगर आजादी के लिए तेरे बड़ों ने कौन सी जंग लड़ी बता मुझे, तेरे बड़ों से बड़ों ने कौन सी जंग लड़ी, कोई नहीं, मेरे भी वही बड़े कोई लड़ी नहीं, जंग अगर किसी ने लड़ी है अगर पाकिस्तान वो पठान लोग हैं जो शहीद हुए हैं फौज से पहले जो मरे जितने भी वो तहरीक उठा रहा अंग्रेजों आजादी दी थी वो किसने ली थी, मोहसिन भाई आगे ना जाओ 14 अगस्त इस बार देख लेना अवाम को अब पता चला है भी हम तो आजाद ही नहीं हुए, क्यों आजादी ये होती माओ बहनों को जेलों में कौन डालता है, ये आजादी है
तो भाई साहब करतूत करे जो बंदा पार्टी के नाम ले देता भी मैं फलानी पार्टी को नाम लेता छोड़ते हैं। देख लो इतनी इतनी बात हम नहीं करने का हक नहीं कि इमरान खान का जो नाम लेगा उसको पकड़ के ले जाते हैं पूरी पाकिस्तानी चैनल पे इमरान खान को पति क्या बोलते कासम का पापा ठीक है साहब का चेयरमैन आपने सुना होगा कासम के पापा से ज्यादा इसी बंदे ने बोला था मेरे बच्चों के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है। ओ भाई कितनी बड़ी स्टेटमेंट है भाई साहब कितनी बार वो इधर आए हैं पाकिस्तान में अपने वालिद को मिलने जितने मर्जी आते रहे लेकिन तो आज भी तेरे मुल्क में ना मस्जिद सेफ है ना चर्च लेकिन ये यकीन दिलाते हैं अगर कुछ कांड हुआ इंडिया की टीम आ जाती कुछ छुट्टा तो जिम्मेदार होंगे ये हल उठाते हैं इसलिए मैं कह रहा था हम भी जिम्मेदारी उठाते नहीं भाई छोड़ो भाई ना भाई ये मुल्क आजाद तब होगा जब हमारा ये इदारा दुनिया की पूरी ना आने दो इमरान खान को ना आने दो अगर उसको अल्लाह की मदद से आवाम की ताकत से आएगा तो कोई रोक नहीं सके अगर उसको नहीं आना तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं लेके आ सका वो जेल में है ना जेल में ना जेल से निकलने दे चलो जी ना निकलने दे बंदे भाई बाकी जो बात है ना वो बंदा आएगा वो बंदा वजीर आजम बनेगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह बोलने दे यार और बंदे किसी भाई मैं इधर क्या करना है बैठा बोलो कोई बात कर ये बंदा खुद गुस्सा दिला देता है ये मोदी साहब भाई साहब किसी मुद्दे पे बात करने दो कोई बात जो बात मुकम्मल करनी होती बीच में डांग डाल देता है। बाकी बात ये है कि सिक्योरिटी की बात हो रही थी मेजर साहब बोल रहे थे हाँ पाकिस्तान हर दफा बोलता है कि हमारा जो दहशतगर्दी की वजह से 80,000 जो लोग हैं वो मारे गए दहशतगर्दी की वजह से कौन कहता है मेजर साहब नहीं पाकिस्तान बोलता है ना कि हमारे 80,000 लोग मारे गए 80-90,000 मारे गए थे हाँ वही पहले की बात करते हैं। इंडिया भी बोलता है कि भाई हमारे भी 40-50,000 मारे गए आतंकवाद की वजह से तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि भाई साहब इसमें सिक्योरिटी इदारे भाई साहब आपके चलो हमारी तो 8वें नंबर पे आती है आर्मी तो ये चलो मर गए यहाँ हम तो गरीब लोग हैं भिखारी हैं हमारे मर गए तो जो जहाँ पर आपकी जो तीसरे चौथे नंबर पर आर्मी आती वहां पर 40-50,000 कैसे मर गए वो भी जरा बता दीजिएगा डिटेल में कि वो कैसे हो गया। तो अच्छा इमरान खान एक और मुद्दा उठा रहे थे अगर इन पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ ना लगता तो इन्हें कोई कुत्ता भी नहीं जानेगा यार इमरान खान ने कब कहा मौजूद नहीं मेजर साहब कह रहे हैं वही बोल रहा तू फिर इमरान खान का नाम ले लेता मेजर साहब बोल रहे थे कि अब भी इमरान खान पाकिस्तान की वेल आपका तो उस बंदे तेरा क्या कसूर किया उस बंदे छोड़ दे भाई साहब बैठ जाओ बात ये भाई साहब कि पाकिस्तान की वैल्यू ना होती आज ये मुआहदे जो अमेरिका कर रहा है ना अगले दिन किया कुछ चंद दिन पहले तो ये ना शहबाज शरीफ के साथ किया ना मुआहदा तो पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत है तभी तो मुआहदे करता है वरना भिखारी को कौन पूछता कोई भी नहीं बंदा पूछता कुछ जरूरत कोई वैल्यू है ना अफगानिस्तान ही कर ले अफगानिस्तान नहीं तो कल को ईरान की वजह से हो सकता है तो इंडिया की आज वैल्यू किस लिए इंडिया की वैल्यू आज क्यों हो रही है ऐसा नहीं है कि आप जो है न्यूक्लियर वाले हो गए उभरती इकोनॉमी हो गई नहीं चाइना को काउंटर करना है बिल्कुल अगर चाइना को काउंटर करना था तो और कोई कंट्री ढूंढ लेते भाई साहब अगर इंडिया को इंडिया के लगती है ना चाइना के साथ बनती है तगड़ा मुल्क है तो भाई साहब वैल्यू ये अमेरिका इस्तेमाल करता है जहां पर उसको जरूरत होती है कि ये चीज हमारे काम आ सकती है चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल करेगा कल को हथियार देगा नेवी की एक्सरसाइज करेगा आर्मी की एक्सरसाइज करेगा चाइना का मुकाबला लड़ेगा ये इसको कांटेस्ट करने की जरूरत है भाई पहले पाकिस्तान की भी पहले शुरुआत अमेरिका किसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान को फिर इसमें क्या है भाई साहब जो ये आप खुद बोलते हो भाई साहब ये सियासत जो है जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का यार नहीं होता बिल्कुल टाइम के साथ कोई अपना मतलब परस्त होता है एक दौर था जब इंडिया के खिलाफ था अमेरिका आज इंडिया को पक्का यार बना फिरता है क्यों क्योंकि भाई साहब जरूरत है चाइना को आज उनका बड़ा दुश्मन कौन है अमेरिका का चाइना उसको मुकाबले में कौन है चाइना इंडिया का और चाइना का लगती है भाई साहब इसको साफ जा रहे आपस में लड़वाएगा चाहे वो इंडिया को स्ट्रांग करेगा इकोनॉमिकली इंडिया थोड़ा सा ऊपर उठेगा स्ट्रॉन्ग बड़ी इकॉनमी आपस में लड़ेंगे बिल्कुल हैं जिस तरह यूक्रेन की मदद आज कर रहा है अमेरिका इस तरह इंडिया की मदद करेगा चाइना के खिलाफ हाँ तो ये और फिर पाकिस्तान की भी करेगा साथ में
नहीं चाइना अगर पाकिस्तान की मदद करे तो इनको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के, आज इंडिया सपोर्ट कर रहा है ना, तो पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, कल को अफगानिस्तान में अगर कुछ करना पड़े तो भी पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका सीधी सी बात है भाई साहब, इस्तेमाल करता है, चाहे डॉलर दे, चाहे हथियार दे, चाहे इकोनॉमी के रास्ते खोले आपके लिए, चाहे प्लान है, उसका मिशन होता है कि किसी ना किसी तरीके फंसा के इस्तेमाल करना है। आज वो मोदी के नारे या हिंदुस्तान के नारे क्यों करता है, अलाई बोलता है खुद को कि हम जो अलाई है इंडिया के, बिल्कुल अमेरिका का चूर्ण होता है भाई। और बाकी बात करें साजिश की, तो साजिश भाई साहब जहाँ पर पैसा चलता है वहाँ पर किसी की भी, इंडिया में भी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं करता, हर वक्त करते हैं। कितने आपके बंदे होंगे जो यार सियासतदान भाई साहब, मैंने कितनी दफा बोलता है ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत ही मैं कहता हूँ अगले लेवल के होते हैं, जब जहाँ पर इनको फायदा नजर आता है ना पार्टी बदल जाती है। मैं मोदी जी की वीडियो देख रहा ना, एक देख रहा था रात को, एक वीडियो मैंने एक भाई के साथ शेयर भी की थी, मोदी जी पहले बोल रहे थे कि ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट है, इसने इतने लाख कितने लाख का गबन किया है। हाँ। तो अगली दफा वो जो उसको उनकी पार्टी में था, बिल्कुल वो बंदे पार्टी था जिस बहुत बड़ा मिनिस्टर रहे थे कि ये बंदा चोर है, करप्ट है, इसने इतनी करप्शन की है करोड़ों की, फिर साथ में क्यों मिलाया, और बाद में उसको अपनी बीजेपी में टिकट। और एक और बात पता क्या करते हैं भाई साहब, चाहे जितना मर्जी करप्ट बंदा हो, ये देख लेते हैं कि भाई साहब इस एरिया में किसको जीत मिलनी है, हाँ, उसको लिया है। एरिया के लोग उसी को सपोर्ट करते हैं कि भाई साहब जो उनके लिए कुछ ना कुछ करता है, तो वो क्या करते हैं उस बंदे को ढूंढ लेते हैं, चाहे वो करप्ट ही दुनिया का गंदा तरीन बंदा क्यों ना। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।